किसी का संस्कार हमारे साथ ठीक नहीं है, किसी का बिहेवियर हमारे साथ ठीक नहीं है, कोई बार बार गलती करता रहता है, कोई बार बार हमें तंग करता रहता है, अपने व्यवहार से ही तंग करता जाता है, हमारी बहुत थॉट्स चलती हैं उसके ऊपर, चलती हैं या नहीं थॉट्स उसके, बहुत थॉट्स चलती हैं, ऐसा क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, थॉट्स भी चलती हैं, वर्ड्स भी बहुत चलते हैं, शोर मच जाता है यहाँ। एक थॉट, वो एक थॉट ये है कि दिस सोल इज ऑन अ जर्नी, ये हमें समझना होगा अच्छी तरह से। जिनको हम कहते हैं ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पेरेंट है, ये मेरा स्पाउस है, ये सब रोल्स एंड पोजीशन है जिसके थ्रू हम लोगों को देखते हैं, बट है वो कौन? वो है आत्मा जो एक जर्नी पर है। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टर इन द ग्रीन ड्रेस, आप खड़े होंगे एक मिनट। हाँ, अब आप सब अपने आप को उसकी सिचुएशन में देखना है। हाँ, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा। जिसको हम देखते हैं अपने आप को, वो बॉडी है ये, और हम एनर्जी हैं जो इस बॉडी को चलाती है। सिस्टर आपकी एज कितनी है? 13 13। आप सब अपनी एज बोलिए, एक बार बोलिए, बोलो। हाँ, ये सब जो एज हमने अभी बोली, ये किसकी एज है? ये इस बॉडी की एज है। ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये बॉडी नहीं है, ये इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, एक आत्मा बैठी है अंदर। 13 इयर्स से वो इस बॉडी के अंदर है। 13 इयर्स पहले ये आत्मा कहाँ थी? ये कहाँ थी? ये एक और कॉस्ट्यूम में थी। 100 इयर्स उस कॉस्ट्यूम में, उससे पहले 100 इयर्स उस कॉस्ट्यूम में, उससे पहले 100 इयर्स उस कॉस्ट्यूम में। और आज अगर इसके अंदर कोई संस्कार, कोई आदत होगी, तो इसके पेरेंट्स कहेंगे मेरा बच्चा ऐसे क्यों है, मैं तो ऐसे नहीं हूं, ये ऐसा क्यों है। बहुत सारे वेस्ट थॉट्स चलते हैं सारा दिन पे। एवरी टाइम रिमेम्बर, वो जो मेरा बच्चा हम कह रहे हैं, वो सोल ऑन अ जर्नी है। इसको देखिएगा, पिछले कुछ महीनों में देश में कई जगह पर फ्लड्स हुए, दुनिया में कुछ जगह पर युद्ध हुआ, बहुत सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ा है। अब आप विजुअलाइज करेंगे कि फ्लड है, सब कुछ बह रहा है, परिवार मेरे हाथ से छूटता जा रहा है, घर मेरा गिर रहा है, और ये सब कुछ देखते हुए मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं। तो व्हाट वुड बी द लास्ट रिकॉर्डिंग ऑन दैट सोल? क्या रिकॉर्डिंग होगी? क्या रिकॉर्डिंग होगी? पता चल रहा है ना क्या रिकॉर्डिंग होगी? अब वो आत्मा वहां से शरीर छोड़ती है, माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, तो सोल एंटर्स द वूम्ब ऑफ द मदर, और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होता है। जब वो बच्चा 3-4 साल का होता है, तो उसके मम्मी पापा उसको स्विमिंग पूल के पास लेके जाते हैं, क्योंकि अब तो टाइम आ गया है बच्चे को स्विमिंग सिखाने का, और बचपन से वो उसके लिए तैयार कर रहे थे कि हमने अपने बच्चे को स्विमर बनाना है। और जैसे ही वो बच्चा स्विमिंग पूल के पास जाता है, तो क्या होता है? क्या होता है? वो रिएक्ट करता है, वो घबरा जाता है, वो वहां से भाग जाता है। कितने सारे थॉट्स चलेंगे, ऐसे कैसे, डरपोक, मेरे बच्चे का क्या होगा? कोई पानी से डरता है, कोई अंधेरे से डरता है, कोई बच्चा अकेले कमरे में रहने से डरता है, कोई बच्चा लिफ्ट में जाने से डरता है, हम में से कुछ लोग फ्लाइट में जाने से डरते हैं, हम में से कुछ लोग विश्वास करने से डरते हैं। ये सब हमारे फियर है। हम में से कुछ लोगों को खोने से डरते हैं,
हम में से कुछ लोग इनसिक्योर होते हैं, व्हाट इफ समबडी लीव्स मी। हम में से कुछ लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, हम में से कुछ लोग एक इंजेक्शन लगाने से डरते हैं। हैं ऐसे बहुत सारे फियर्स, है ना? ये हमारे जो सारे फियर्स हैं, हर एक के अलग 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 है। ये हमारे फियर्स हमारा पास्ट लाइफ का संस्कार है, लेकिन हमें पता नहीं होता तो हम कहते ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं हम अपने खुद के। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। इमीडिएट वन थॉट, सोल ऑन अ जर्नी। क्योंकि उनका संस्कार हमारे संस्कार से अलग होगा। हो सकता है पेरेंट बिल्कुल निडर है और बच्चा बहुत डरता है, तो वो पेरेंट के लिए तो एक शौक ही आ जाता है, मेरा बच्चा डरपोक कैसे हो सकता है इतना। हो सकता है वाइफ बहुत ट्रस्ट करती है, हस्बैंड हमेशा डाउट करता है। वाइफ के लिए शौक होता है कि मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, व्हाई डाउट। तो हमें लगता है वो हमें डाउट कर रहे हैं, वो हमें नहीं डाउट कर रहे, वो डाउट का संस्कार अपने साथ लेकर आए हैं। एक जना अप्रिशिएट करता है, दूसरा जना बार बार क्रिटिसाइज करता रहता है। हम कहते हैं वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो क्रिटिसाइज करने का संस्कार लेकर आए हैं। जैसे ही हम सोल की जर्नी को देखना शुरू करते हैं, हम उनके प्रति जो इतने सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। सोल ऑन अ जर्नी। हर आत्मा अपने साथ दो चीजें लेकर आती है, एक अपने संस्कार और दूसरे अपने कार्मिक अकाउंट, अपना भाग्य। आप कितना भी चाहेंगे कि आप अपनों की लाइफ परफेक्ट बना दें, अचानक से कोई बात आकर सामने खड़ी हो जाएगी उनके। हम कहते मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया इनके लिए, फिर ऐसे कैसे हो गया। वन थॉट, ये हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, इतनी सारी थॉट्स नहीं, ये हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट है। मुझे अब प्रेजेंट कर्मा पर फोकस करना है। वन थॉट। तो जब हम किसी के संस्कार को क्वेश्चन बहुत करते हैं, तो हमें सिर्फ एक सेकंड साइलेंस में बैठकर अपनी थॉट को चेंज करना है। सोल ऑन अ जर्नी है, पास्ट से ये थॉट संस्कार लेकर आए हैं, और हम इस समय उनको उसका ऑपोजिट थॉट देकर, उसकी ऑपोजिट वाइब्रेशन देकर, हम धीरे धीरे उनके वो संस्कार को चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो अगर किसी के पास डाउट करने का संस्कार है, हम उसको क्या ब्लेसिंग देंगे। वन थॉट, हम उसको क्या ब्लेसिंग देंगे। सपोज आपके आसपास किसी को डाउट करने का संस्कार है, आप सब कुछ परफेक्ट करो, वो उसको भी डाउट करेंगे, हम उसको क्या ब्लेसिंग देंगे। जो संस्कार आप उनके अंदर देखना चाहते हैं, जिसके अंदर डाउट है, हम उसके अंदर क्या देखना चाहते हैं, ट्रस्ट देखना चाहते हैं। लेकिन हम डाउट के बारे में थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये क्यों डाउट करते हैं, ये मुझ पे डाउट करते हैं, सब मेरे पे डाउट करते हैं, ये ऐसे करते रहते हैं हम बहुत सारा शोर। एक थॉट, आप पावरफुल सोल हैं, आप सब पर ट्रस्ट करते हैं, ब्लेसिंग। लुक एट द संस्कार, अंडरस्टैंड द संस्कार, हील द पर्सन, ब्लेस देम विद पावर। टू थॉट्स, फुल स्टॉप। करें अभी, करें अभी, क्लोज योर आइज, किसी को लेकर आओ सामने, जिनका आपको संस्कार समझ नहीं आ रहा ये ऐसे क्यों है। अपने इर्द गिर्द फैमिली में से किसी को चूज करना, चेहरा नहीं, रिश्ता नहीं, जस्ट अ सोल ऑन अ जर्नी, आत्मा है वो। आज उनसे कहिए, आई
अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझती हूं। समझती हूं मतलब आई अंडरस्टैंड ये संस्कार आपके पास कहां से आया है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत बार बोला आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, मैं समझ नहीं सकती आप ऐसे कैसे कर सकते हो। बहुत क्रिटिकल जजमेंटल थॉट्स क्रिएट किए हमने उनके लिए। वन थॉट, आई अंडरस्टैंड यू। सेकंड, आई एक्सेप्ट यू। बहुत रिजेक्ट किया है हमने उनको उस संस्कार के लिए, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, बाकी कोई ऐसा नहीं है, ये ही ऐसे क्यों है, मेरे साथ ही क्यों, ऑल नेगेटिव थिंकिंग, फुल स्टॉप। आई एक्सेप्ट यू, मैं आपको स्वीकार करती हूं। एक्सेप्ट यू मतलब आज से मैंने वो सारी जो वेस्ट थॉट्स थी, फुल स्टॉप। थर्ड, आई हील यू, आई ब्लेस यू, मतलब मैं आपको अब एक हाई वाइब्रेशनल थॉट देती हूं और वो वाइब्रेशनल थॉट आपने क्रिएट करनी है। वो थॉट है यू आर फिल इन द ब्लैंक, जो संस्कार आप उनके अंदर डालना चाहते हैं, यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ फियरलेस सोल, आप एक निडर आत्मा है, आप सबको ट्रस्ट करते हैं, यू आर अ पीसफुल सोल, आप सबके साथ प्यार और शांति से बात करते हैं। जो आप ब्लेसिंग उनको देकर उनकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग उनको दीजिए। आई अंडरस्टैंड यू, आई एक्सेप्ट यू, आई ब्लेस यू, आई हील यू, मैं आपको समझती हूं, मैं आपको स्वीकार करती हूं और मैं आपको परिवर्तन करने की शक्ति देती हूं। ओके, वापस आइए, वापस आइए। ये हम कर सकते हैं क्या? हम ये कर सकते हैं? कितनी थॉट्स? 2-3 थॉट्स, नहीं तो 10-20,000 थॉट्स चल चुके हैं अब तक। एंड वो जितनी सारी थॉट्स चली ना, उससे उनका वो जो संस्कार है वो, और अगर किसी के अंदर डर का संस्कार है और हम बोलेंगे कितना डरपोक है, कितना डरपोक है, ये डरता क्यों है इतना, ये हम डर वर्ड को बार बार रीअफर्म करते हैं। किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है, हम गुस्से वर्ड को रीअफर्म करते हैं, कितना गुस्सा करता है, बात बात पे गुस्सा करता है, जब देखो गुस्सा करता है, अब तो ज्यादा ही गुस्सा करता है, अब तो बिना बात के गुस्सा करता है। कौन से वर्ड को रिपीट कर रहे हैं हम, कौन से वर्ड को रिपीट कर रहे हैं हम, गुस्से वर्ड को रिपीट करते जाते हैं तो उनका वो गुस्से का संस्कार क्या होता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। तो आई अंडरस्टैंड कि ये संस्कार आपके पास क्यों आया है, आज से आपके लिए क्रिटिकल जजमेंटल थॉट्स ओवर, और आज से आपके लिए सिर्फ एक हाई वाइब्रेशनल थॉट यू आर। अगर आप अगले एक महीने के लिए उनके लिए एक बार ये थॉट क्रिएट करते हैं, यू आर फिल इन द ब्लैंक, वो जो संस्कार सोल, तो सबसे पहली चीज जो चेंज होगी आपके नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स, क्योंकि आपने अब एक आंसर दे दिया अपने आप को। और क्या आपको लगता है कि जो थॉट आप क्रिएट करेंगे वो उन तक पहुंचेगा? पहुंचेगा, पहुंचेगा। हम बड़ों से कहते हैं मुझे ब्लेस करो, कहते हैं ना हम बड़ों से मुझे ब्लेस करो, आज मेरा एग्जाम है मुझे ब्लेसिंग दो, आज मेरा इंटरव्यू है मुझे ब्लेसिंग दो, आज मेरा बर्थडे है मुझे ब्लेसिंग दो। कभी कभी हम दूर दूर संत महात्माओं के पास जाते, हम कहते हमें ब्लेसिंग दो। व्हाट इज अ ब्लेसिंग? ब्लेसिंग होती क्या है? ब्लेसिंग होती है वन पावरफुल हाई वाइब्रेशनल थॉट। क्या हम वो खुद को भी दे सकते हैं? क्या हम वो एक दूसरे को भी दे सकते हैं? दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना। सो दिस वॉज अ ब्लेसिंग। अगर किसी का शरीर बीमार है उसको ब्लेसिंग दो, यू आर परफेक्ट हेल्दी। ये नहीं पूछो क्या हुआ, कैसे हुआ,
फिर कैसे गिरे थे, फिर डॉक्टर ने क्या बोला। आपको पता है जो बीमार होता है वो थक जाता है अपनी सारी कहानी बार बार सबको सुना सुना के, क्योंकि हर एक उसको जाके पूछता है फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर क्यों हुआ। फिर उसके बाद उनको क्या आप ऐसे करो, ध्यान रखना, मैंने सुना है फिर से हो जाता है, मेरे पड़ोसी में फिर से हो गया। सो मच वेस्ट थॉट, कितना वेस्ट थॉट। दूसरे के डर को खत्म करने गए थे या डर को बढ़ाने गए थे हम? जितनी बार वो हमें अपनी बात सुनाएंगे ना, उनके अंदर से वो वाली इमोशन, वो वाली थॉट फिर से रिपीट होती रहती है। हमें सिर्फ उनको ये कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है, परमात्मा की शक्ति और दुआएं आपके साथ हैं, आपका शरीर परफेक्ट हेल्दी है, फुल स्टॉप। अब कोई और बात करते हैं, कोई और बात करते हैं। एक थॉट हर सिचुएशन में, एक थॉट, एंड वो एक थॉट हाई वाइब्रेशनल थॉट जब होती है ना, इवन अगर कोई आपको आके अपनी बातें सुनाए, पता है क्या हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, एंटरटेन नहीं करना चाहिए किसी को, बार बार नेगेटिव बोलने नहीं देना चाहिए। एक तो हम नेगेटिव सुन रहे हैं, लेकिन एक तो वो जब बार बार वो बोलते हैं ना, तो उनकी शक्ति बार बार कम होती है वो बोलने से। अगर उस सिचुएशन का कोई भी सलूशन नहीं है, तो भी प्यार से उनका हाथ पकड़ो और बोलो सब परफेक्ट है और सब परफेक्ट ही होगा, फुल स्टॉप। बार बार रिपीट करने से प्रॉब्लम, मन की शक्ति घटती है, और जब मन की शक्ति घटती है तो प्रॉब्लम एस्केलेट हो जाती है। वन थॉट, अगर कोई हमारे साथ बहुत बड़ा गलत कर रहा है, अगर हमारे जीवन में बार बार कोई फेलियर आ रहा है, अगर हम मेहनत करके यहां तक पहुंचते हैं, बस पहुंचने वाले होते हैं, फिर काम बिगड़ जाता है, तो माइंड बार बार कहता है मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। वन थॉट, फिर से एक ही थॉट, ये मेरा पास्ट का कार्मिक अकाउंट है, लेकिन अब पावर सारी मेरी प्रेजेंट कर्मा में है। आज से ये थॉट हमेशा यूज करना, आज से पास्ट कार्मिक अकाउंट खत्म हुआ। क्योंकि हमें डर लगता है जो पिछली बार हुआ था वो फिर से होगा, उस टाइम हारे थे फिर से हारेंगे, ये हुआ था फिर से काम बिगड़ेगा। वन ब्लेसिंग, आज से वो पास्ट कार्मिक अकाउंट फिनिश हुआ, आज से सफलता निश्चित है। बोलिए एक बार, पास्ट कार्मिक अकाउंट फिनिश हुआ। वी नीड टू से दिस, पास्ट कार्मिक अकाउंट फिनिश हुआ। बोलिए, पास्ट कार्मिक अकाउंट मतलब कोई भी बात जो लंबी चल रही है, खत्म नहीं हुई है अभी तक, बीमारी खत्म नहीं हुई है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है, ब्लेसिंग दे उसको। अगर हम बोलते रहेंगे खत्म नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, और ही बिगड़ता जा रहा है, तो वो और ही बिगड़ता जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारी थॉट्स क्रिएट करते हैं। वन ब्लेसिंग, पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर। बोलो, पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत है, सफलता निश्चित है, सेहत निश्चित है, हार्मनी निश्चित है, निश्चित है। बोलिए, इट इज सर्टन। जैसे ही हम वो सोचेंगे, बोलेंगे, वाइब्रेशन ऊपर उठेगी, एनर्जी ऊपर जाएगी, सिचुएशन चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, एवरीथिंग इज नाउ परफेक्ट। बोल सकते हैं? एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसका कोई सल्यूशन नहीं होता है, और वो सिचुएशन वो होती है जब हमारे फैमिली से या हमारे समीप के कोई रिश्ते आत्मा इस शरीर को छोड़कर नया कॉस्ट्यूम दे रहे हैं। इसका कोई सल्यूशन नहीं होता है, ये एक ही वो सिचुएशन है जिसमें कोई सल्यूशन नहीं है, वी कांट अनडू दैट। और उसमें बार बार हम कहते हैं वो क्यों चले गए, वो क्यों चले गए, वो क्यों चले गए, उनको वापस आना होगा, उनको वापस आना होगा, आई कैन नॉट लिव विदाउट देम, दे हैव टू कम बैक।
हम भी बोलते हैं, दूसरे भी बोलते हैं, बार 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 वो रिपीट करते हैं। और जब हम ऐसी वाली थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हम कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, हम कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं? हम बहुत पेन क्रिएट कर रहे हैं। पहले ही हमारे पास पेन ऑफ लूजिंग देम है, लेकिन बार बार ऐसे बोलकर, बार बार ऐसे बोलकर हम अपना और अपने आसपास के सबका दर्द बढ़ा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आत्मा आगे गई है, माँ के वोम्ब में एंटर कर गई है, हम उसको दर्द भेज रहे हैं, क्योंकि हमारी हर थॉट वहां पहुंच गई है। सिर्फ एक सेकंड के लिए बताइएगा, अगर आप अपने शरीर को छोड़ते हैं और आगे जाते हैं तो आप पीछे क्या देखना चाहेंगे, पीछे क्या देखना चाहेंगे? जस्ट एक सेकंड को जाओ और पीछे मुड़के देखो, क्या देखना चाहेंगे आप पीछे अपनी फैमिली में, बताइए। सब कुछ ठीक है, दैट्स द थॉट, दैट्स द थॉट। तो अगर ऐसा होता है तो हर रोज, अगले कई दिनों के लिए हर रोज एक थॉट, शुक्रिया आप हमारे साथ जितने क्षण रहे, हमें इतना प्यार दिया उसका शुक्रिया, आप हमारी चिंता नहीं करना, यहां सब कुछ ठीक है और बहुत ठीक रहेगा, आप हमें सब कुछ जो सिखा के गए हो हम सबका ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे, आप हमारा नहीं सोचना, आपकी अगली डेस्टिनी बहुत ब्यूटीफुल, परफेक्ट हेल्दी बॉडी, ब्यूटीफुल फैमिली, परफेक्ट डेस्टिनी। दुआओं के साथ भेजो, शुक्रिया के साथ भेजो, निश्चिंत करके भेजो कि आप हमारी चिंता नहीं करना। हम सारी ऑपोजिट बोलते हैं, कह सकते हैं हम ये, कह सकते हैं हम ये? यस, आपको पता है सोल हर थॉट कैच करती है, और जब सोल डिटैच्ड होती है बॉडी से वो और भी ज्यादा थॉट्स कैच करती है। अगर कोई तबीयत ठीक नहीं है, कोमा में है, डॉक्टर कहता हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आत्मा आगे नहीं जा रही है, क्योंकि हमारी कुछ चीजें उनको पकड़कर खींच रही हैं यहां हमारे पास। पिछले महीने में आई वॉज गोइंग टू अ हॉस्पिटल, मैंने 3 लोगों के साथ आईसीयू में ये करके देखा है, और उन्होंने किया है, हमने उनको सिर्फ बताना होता है कौन सी थॉट क्रिएट करनी है। वो सिर्फ जाते हैं, उनके पास खड़े होते हैं, सामने वाला यहां से तो सुन नहीं सकता है, सुन रहा है तो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, लेकिन वाइब्रेशन सारी कैच कर सकता है। वो गए, उनका हाथ पकड़ा, उनके नजदीक खड़े रहे पूरा परिवार, और उनको कहा आप हमारी चिंता नहीं करो, हम सब अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे, आपका ये जो शरीर कॉस्ट्यूम है ना, ये अब ठीक नहीं हो सकता है, आपका नया कॉस्ट्यूम आपके लिए रेडी पड़ा है, आपको अब यहां से जाना है, आपको यहां इस दर्द में नहीं रहना है। इकट्ठे मिलकर सबने बोला, एक दो बार बोला, एंड मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट बाय द सेम आफ्टरनून और द सेम इवनिंग। जो कई दिनों से आईसीयू में थे, जो कई महीनों से कोमा में थे, सिर्फ ये सुनने के लिए रुके हुए थे कि मेरा परिवार मेरे आगे जाने के बाद सब कुछ संभाल लेगा, जैसे वो सुन लेते हैं वो आगे जाते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते नहीं जा सकते, इनको यहां रहना होगा, हाउ कैन दे गो। जिसने जाना होता है वो भी नहीं जा पाता है, क्योंकि हम अपनी थॉट से उसको क्या करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। तो हर सिचुएशन में, एक छोटी सी सिचुएशन या लाइफ की ये सबसे बड़ी बड़ी सिचुएशन जिसका कोई सलूशन नहीं है, लेकिन हर एक सिचुएशन में
यहां जो क्रिएट करना है ये पूरी तरह से किसकी चॉइस है? हमारी। और हमें इस वोकैबुलरी को सीखना है कि कैसे हमें हर सिचुएशन में हाई वाइब्रेशनल वन थॉट क्रिएट करनी है। और जब हम ये वन थॉट क्रिएट करते हैं तो वो थाउजेंड्स ऑफ वेस्ट थॉट्स बंद हो जाती हैं और यहां आपको पीस, शांति, साइलेंस एक्सपीरियंस होती है। और सिर्फ बंद नहीं होती है, आपकी स्थिति मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आपकी स्थिति ऊपर हो जाती है। आपकी स्थिति ऊपर हो जाती है क्योंकि आपने हाई वाइब्रेशनल थॉट क्रिएट किया। तो ये वाली वोकैबुलरी आनी चाहिए ना हमें? आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। और ये वोकैबुलरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें खुद सीखकर अपने बच्चों को भी सिखानी है। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक वोकैबुलरी है, ज्ञान एक भाषा है, सोचने का तरीका है। और जब हम ज्ञान के आधार से थॉट क्रिएट करते हैं और साथ में मेडिटेशन करके अपने इंट्यूशन को टैप करते हैं तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगती है। वो सीन आता है, थॉट क्रिएट करो, साइलेंस क्रिएट करो, आगे बढ़ो। मेजॉरिटी सिचुएशंस ठीक होने लगेंगी, जो सिचुएशन नहीं ठीक हो रही नहीं ठीक हो रही, लेकिन माइंड हमेशा ठीक रहेगा वो सर्टन होता है। और जब माइंड ठीक रहता है सफरिंग नहीं होती, क्योंकि सफरिंग सिचुएशन में नहीं, सफरिंग यहां होती है, यहां होती है।